सर्दियों में हम हमारे बर्ड्स को क्या क्या फूड दे सकते हैं, कौन कौन से फूड हम सर्दियों में हमारे बर्ड्स को खिला सकते हैं, या सर्दियों में हमारे बर्ड्स की क्या डाइट होनी चाहिए, ऐसे कौन कौन से फूड है जो सर्दियों में हम हमारे बर्ड्स को दे सकते हैं जिससे उनकी सेहत बरकरार रहे और सेहत अच्छी बनी रहे। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारी बातों को कवर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणेश और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का जयपुर एक्जोटिक बर्ड्स इन्फो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम हमारे बर्ड्स को सर्दियों में कौन कौन से फूड खिला सकते हैं और कौन कौन सी डाइट दे सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बर्ड्स के सर्दियों के फूड के बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू। सब्सक्राइब कीजिए जयपुर एक्जोटिक बर्ड्स इन्फो को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप लोगों को सारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, सर्दियों में हमारे बर्ड्स को कुछ विशेष प्रकार के फूड खिलाना अति आवश्यक हो जाता है ताकि उनके शरीर में गर्मी बनी रहे और उनकी सेहत अच्छी बनी रहे और उनको आसानी से सर्दी जुकाम ना हो, नज़ले की शिकायत ना हो। दोस्तों, इसके लिए हमारे को कुछ फूड में बदलाव करने होते हैं और कुछ फूड जो सर्दियों में हमें उपलब्ध होते हैं या वेजिटेबल्स जो उपलब्ध होती है वो भी हमें उनको समय अनुसार खिलानी पड़ती है। वीकली बेस पे 15 दिन में जैसे आप लोगों के आसपास में अवेलेबल है वैसे खिलानी पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं काले चनों से। दोस्तों, गर्मियों में भी हम हमारे बर्ड्स को काले चने खिला देते हैं और सर्दियों में भी हम हमारे बर्ड्स को काले चने दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, काले चने को जब देते हैं तो सर्दियों में जब जिस वातावरण में ठंड बहुत ज़्यादा हो या टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो हो, वहाँ पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने बर्ड्स को काले चने उबाल के खिलाएं। दोस्तों, कभी भी किसी भी वस्तु को जो हमारे फूड होता है, काले चने, दालें, ये अगर जो हम इनको उबाल के देते हैं तो इनकी तासीर गर्म हो जाती है। जो दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों, वो हरी मूंग आती है। मूंग को भी दोस्तों आप भिगो के और सर्दियों में अत्यधिक सर्दी पड़ रही है तो आप उबाल के काले चनों के साथ दे सकते हैं। तीसरी चीज आती है दोस्तों, गेहूँ। दोस्तों, गेहूं की तासीर गर्म और ठंडी दोनों होती है। यदि आप उसको भिगो के रात भर भिगो के पानी में देते हैं तो उसकी तासीर ठंडी होती है, जो कि हम गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे बर्ड्स को लू वगैरह की शिकायत ना हो। लेकिन दोस्तों, सर्दियों में उसकी तासीर गर्म करने के लिए हमें भी उसको उबाल के हमारे बर्ड्स को खिलाना होता है। इसके अलावा दोस्तों, आप मूंगफली के दाने भी भिगो के पानी में दे सकते हैं क्योंकि उसमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा होता है जिससे हमारे बर्ड्स को सर्दियों में ऑयल की आवश्यकता होती है, ऑयली सीड्स की, तो वो उसकी कमी को पूरा करता है। दोस्तों, आप इन सभी का मिक्सचर बना के और अपने बर्ड्स को समय अनुसार उबाल के दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम हमारे बर्ड्स को वीकली बेस पे पालक भी दे सकते हैं। दोस्तों, पालक की भी तासीर गर्म होती है और हमारे बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा सेहतमंद होती है। पालक के पत्ते आसानी से बाजार में उपलब्ध होते हैं और आप अपने बर्ड्स को पालक के पत्ते दे सकते हैं। बर्ड्स दोस्तों पालक बहुत ही चाव से खाते भी हैं। अगली चीज आती है दोस्तों, मेथी। मेथी का जो साग होता है यानी मेथी के जो पौधे होते हैं वो हमें सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये गड्डी मिल जाती है मेथी की साग। तो आप वीकली बेस पे दोस्तों अपने बर्ड्स को मेथी का साग भी दे सकते हैं क्योंकि दोस्तों मेथी के साग की भी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है और वो हमारे बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा सेहतमंद होता है। इसके अलावा दोस्तों, जब ग्रीन फूड की हम बात कर रहे हैं तो अगला जो फूड आता है वो हम दे सकते हैं दोस्तों, लूसन यानी कि रंजका। जो गाय वगैरह को हम चारे के रूप में सर्दियों में इस्तेमाल कराते हैं ग्रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी मेरे बर्ड्स वो खा भी रहे हैं, तो आप ये भी दे सकते हैं दोस्तों। ये भी बहुत ही एक अच्छी डाइट होती है और हमारे बर्ड्स इसको चाव से खाते हैं। आप इसको सर्दी और गर्मी दोनों समय में इस्तेमाल करा सकते हैं। यदि आपके एरिया में उपलब्ध है तो आप ऑल टाइम बेस पे दे सकते हैं, चाहे दिन में दीजिए, चाहे शाम को दीजिए, चाहे सुबह दीजिए, आपके बर्ड्स इसको खाएंगे ही खाएंगे। अब दोस्तों, इसके अलावा आप इनको कुछ और भी फूड दे सकते हैं, जैसे कि अगर जो बहुत ही ज़्यादा ठंड है और आपके पास रात की रोटियां बची हुई हैं तो आप उन रोटियों को सुबह बासी कर लें। बासी दोस्तों, बर्ड्स को ताज़ी रोटी नहीं दी जाती है, उसको बासी करके दी जाती है। तो रात की बची हुई रोटियों को आप उनको अच्छे से मिक्सचर कर लीजिए, उनको भुरभुरा कर लीजिए, बिल्कुल चूरा बना लीजिए ताकि आपके बर्ड्स को खाने में आसानी हो। तो आप वो फूड भी अपने बर्ड्स को दे सकते हैं, आप देखेंगे कि वो फूड भी आपके बर्ड्स खाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, आप चावल, उबले हुए चावल अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। चावल भी बहुत एक अच्छी डाइट होती है। आपके बर्ड्स के बच्चे निकले हुए हों तो आप चावल दे सकते हैं, उससे उनकी भराई भी अच्छी होती है और सर्दियों का एक बहुत अच्छा बेहतरीन फूड निकल के आता है। इसके अलावा दोस्तों, आप एग फूड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
एग फूड को दोस्तों कई प्रकार से आप दे सकते हैं, फूड को ब्रेड में दे सकते हैं, चावल में मिला के दे सकते हैं, इसके अलावा दोस्तों गाजर के साथ मिक्स करके दे सकते हैं। एग फूड का दोस्तों इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे सर्दियों में, हमारे बर्ड्स के जो शरीर की ग्रोथ होती है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अंडों की परसेंटेज, हैचिंग परसेंटेज सभी में हमारे एग फूड बहुत ज़्यादा काम आता है। इसके अलावा दोस्तों आप विभिन्न प्रकार की दालों का मिक्सचर बना के और उनको उबाल के भी अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। सर्दियों में दालें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और बहुत पौष्टिक होती है। जिस प्रकार ह्यूमन के लिए दालें बहुत ज़्यादा पौष्टिक चीज़ें से भरपूर होती है, वैसे हमारे बर्ड्स के लिए भी दालें अनेक प्रकार से काम आती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों सीड्स में, तो सीड्स में दोस्तों जो हमारे मिक्स सीड है उसके अंदर हमें सूरजमुखी के बीजों की संख्या बढ़ा देनी है ताकि हमारे बर्ड्स उसको ज़्यादा से ज़्यादा खाएं और उनके शरीर में सेहत बनी रहे। तो दोस्तों इस प्रकार के फूड आप दे सकते हैं अपने बर्ड्स को। एक चीज़ और इंक्लूड करना चाहूँगा दोस्तों इसमें, आप लोग इसमें पोहा भी ऐड कर सकते हैं, जिसे कहीं चूरा बोला जाता है, कहीं पोहा बोला जाता है। इसको भी आप हल्का सा पानी में भिजो के आप अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करा सकते हैं, वो भी सर्दियों में खाने लायक होते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप लोगों तक मैं समय समय पर लाता रहूं। मिलते हैं जल्दी एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।